आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आप सुन रहे हैं विविध भारती। आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम। रेडियो पर हर सप्ताह आने वाला कार्यक्रम बिना का गीत माला, एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा और फिल्मी मुलाकात समेत दर्जनों रेडियो कार्यक्रम के प्रस्तोता रेडियो जॉकी अमीन सयानी ने मंगलवार की देर रात इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब जो आपके सामने आएंगी वो एक छोटी सी जी बहुत छोटी नहीं मेरा मतलब छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी लड़की हैं जो आज पहली बार इस बीच क्लब में गाना गाने आ रही हैं। इनका नाम है मिस रेखा। हाँ 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 भाई, आपने तो बहुत एहसान कर दिया मुझ पर, मेरी जवानी मेरे सामने ला कर रख दी। माशाल्लाह आप तो आज भी जवान लगते हैं अमीन साहब। खैर वैसे एक्टर भी मैं इतना बुरा नहीं लग रहा था ना। नहीं आप अच्छे लग रहे थे और मैं सोच रहा हूँ कि आपने फिल्मों में काम क्यों नहीं किया। फिल्मों में काम क्यों नहीं किया भाई, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। इसकी वजह यह है भैया कि प्रोड्यूसर वैसे कई आए मेरे पास और कई लोगों ने मुझे संदेश भी भिजवाया कि हम आपको हमारी फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जो भी रोल मुझे मिलता ना वो विलन का रोल मिलता। 91 बसंत देख चुके अमीन सयानी ने बीते 21 दिसंबर 2023 को अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई में अपना जन्मदिन भी मनाया था। गुजराती मुस्लिम परिवार में जन्मे अमीन सयानी ने 1952 में रेडियो जगत में कदम रखा। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ एशिया भर के चहेते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी। जब 1951 में रेडियो सिलोन के लिए बम्बई में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रिकॉर्ड होना शुरू हुए तो उन प्रोग्रामों से मेरी राहें दो तरह से जुड़ी। उन प्रोग्रामों के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर थे हमीद सयानी साहब, जो न सिर्फ मेरे बड़े भाई थे बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मेरे गुरु भी थे। दरअसल अमीन सयानी के बड़े भाई हमीद सयानी जो खुद रेडियो कलाकार थे, उन्होंने ही अमीन सयानी को इंट्रोड्यूस किया था। विविध भारती का मशहूर साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम बिना का गीतमाला आज भी लोगों को इंतजार कराता है, लेकिन अब उस कार्यक्रम में अमीन सयानी की आवाजें नहीं हुआ करेंगी। कितना खूबसूरत गीत रह गया था छांव में। गीत लिखा था निदा फाजली ने और संगीत संजोया था उषा खन्ना ने। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे न थे और इस गीत को 3 प्लेबैक सिंगर्स ने अलग अलग गाया था। एक तो थे मनहर। आपको बता दें बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों को इंतजार रहता था अमीन सयानी द्वारा खुद का इंटरव्यू कराए जाने का, लेकिन कई बार अमीन सयानी के पास ही समय कम हुआ करता था। इतना ही नहीं, बहुत सारे फिल्मी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स भी इस ललक में रहते थे कि उनकी फिल्म का प्रमोशन प्रोमो वगैरह अमीन सयानी द्वारा किया जाए। ये फिल्म संगीत जो है ये मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को टूटने से बचाने में सबसे बड़ा हाथ इसका रहा है। कुछ इंटरव्यूअर्स जब उनसे पूछते थे आपकी इस दिलकश आवाज का राज क्या है, तो वो कहा करते थे कि मैं दिल की बात किया करता हूं और कोशिश हुआ करती है कि वह दिल से निकले और दिल तक जाए। अच्छा, आपने कहा कि यह आवाज गॉड गिफ्ट है या खुद पाई, तो भाई राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझमें, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुँचे, और यही मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है उसका राज है।
20 फरवरी 2024 की रात उनके दुनियावी जीवन की आखिरी रात बनी। मतवाले तू छेड़ एक बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर। छेड़ मन का सितार राही मतवाले। Yeah, he remembers that song. Wow, that song also. And one more. Yeah. Anil Dada. That song. Do. Papi ha bola, raata bhi rahi, meri tumhari mulaqat baaki rahi. Do. And go. Okay. What is the other one you made me sing? Pavi Ghosh Ji's song. अमेज नाउ परिवार का अमीन सयानी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 1966 के दो सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा मकबूल गीत। तो पहले गीत नंबर दो, वो जिसे शैलेंद्र ने लिखा, जिसे SD बर्मन ने संगीत में ढाला और जिसे लता और किशोर कुमार ने आपके दिलों के तार छेड़ते हुए फिल्म गाइड में गाया। हमीन भाई, फिल्म गाइड का ये गीत सुनकर तो जी चाह रहा है कि हम भी गाएं। नहीं, ऐसी गलती मत करना, वरना हमारे जो करोड़ों दर्शक है ना, वो सारे के सारे भाग जाएंगे। और भाई, अभी तो 1966 का गीत नंबर एक तो बाकी है, तो लो आ रहा है 1966 का सुपरहिट गीत नंबर एक, और उसके साथ आ रहे हैं हसरत के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन की धुन। आ रहा है सूरज। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।